भारत विविधताओं का देश है, अपने में कई संस्कृतियों और धर्मों को समेटे हुए है। इस देश में धार्मिक सहिष्णुता के कई प्रतीक हैं। आज मैं आपको एक दिलचस्प और ऐतिहासिक कहानी बताने जा रहा हूँ, एक हिंदू मंदिर में मुस्लिम राजकुमारी की कहानी। ये एक रिलीजियस टेल है जिसे हम ऐतिहासिक तथ्यों के आधार में जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि कहानी की शुरुआत करूं, मैं कहना चाहता हूं ये सिर्फ एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पे बताने जा रहा हूं, इसलिए आपसे निवेदन है कि सिर्फ ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ही इसे देखें। यदि मैं अनजाने में किसी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाता हूं तो मुझे वास्तव में खेद है और मेरा ये इरादा बिल्कुल नहीं है। इस कहानी के लिए मैं आपको ले चलता हूँ तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के श्री रंगनाथ मंदिर में। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है कि वैकुंठ एकादशी फेस्टिवल के दिन भगवान श्री रंगनाथ जी को मुगलई शैली में पकाई गई बटर रोटी भोग के रूप में चढ़ाई जाती है, और जब भगवान को मंदिर के चारों ओर ले जाया जाता है तो वहाँ बने अर्जुन हॉल के सामने भगवान को रोका जाता है। अर्जुन हॉल के भीतर थुल्लुका नाचियार की एक मूर्ति है और कहा जाता है वो श्री रंगनाथ जी के पत्नी के रूप में है। ये थुल्लुका नाचियार कौन है और उसकी मूर्ति बेहद रूढ़िवादी हिंदू मंदिर में क्या कर रही है, इसके पीछे एक स्टोरी है। ये बात है सन 1311 की, जब अलाउद्दीन खिलजी का करूर सेना जनरल मलिक काफूर दक्षिण भारत में राजाओं के खिलाफ युद्ध कर रहा था। तब उसने श्री रंगनाथ मंदिर को लूटा और वहां से भगवान विष्णु की सोने की बनी एक छोटी मूर्ति को अपने साथ दिल्ली ले गया। ये श्री रंगनाथ के धार्मिक समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। मंदिर के लोगों ने मूर्ति वापस लाने का फैसला किया और एक संगीत मंडली बनाई और दिल्ली जाकर सुल्तान के सामने अपना संगीत प्रदर्शन किया, जिससे सुल्तान बहुत खुश हुआ और कहा जो चाहिए मांग लो। तब उस संगीत मंडली ने उसी मूर्ति को मांगा जो वहां से उठा लाई गई थी। सुल्तान ने उन्हें मूर्ति वापस लेने की अनुमति दे दी। सबको लगा सारी समस्या खत्म, पर तभी एक ट्विस्ट आ गया। सुल्तान की बेटी राजकुमारी सुरदानी उस मूर्ति को एक गुड़िया के रूप में अपने पास रखती थी, उसे प्यार और स्नेह करती थी, उसे कपड़े पहनाती, खिलाती, अपने साथ सुलाती। राजकुमारी से वो मूर्ति लेना आसान नहीं था। संगीत मंडली के लोग मूर्ति को लेकर रात को ही निकल गए, डर से कि कहीं सुल्तान का मन ना बदल जाए और मूर्ति वापस ना ले ले। राजकुमारी सुरदानी संगीत मंडली का अकेले ही पीछा करते श्रीरंगम पहुंच गई। तब संगीतकारों ने मूर्ति को छुपाना ही बेहतर समझा। जब राजकुमारी को उसकी पसंदीदा मूर्ति काफी ढूंढने पे नहीं मिली तो उसका दिल टूट गया और दुखी हो गई। आखिरकार श्रीरंगम मंदिर के दरवाजे पे दम तोड़ दिया। मूर्ति की मंदिर में स्थापना के बाद वहां के बड़े पुजारी को सपने में भगवान प्रकट हुए और कहा मैंने उस राजकुमारी से विवाह किया है। तब मंदिर में राजकुमारी की मूर्ति बनाई और उसकी पूजा की, इसलिए इसे थुल्लुका नाचियार या मंदिर में मुस्लिम महिला के रूप में स्थापित किया गया। एक मुस्लिम राजकुमारी को 1000 सालों से हिंदू मंदिर में पूजा जाता है, ये जानकर बहुत अजीब भी लगता है। लेकिन आइए इस कहानी के बहुत से संभावनाओं और ऐतिहासिक तथ्यों को जानने की कोशिश करें। कई ऐसी कहानियां हैं जो दावा करती हैं कि राजकुमारी सुरदानी मलिक काफूर की बेटी है। ये हो भी सकता है क्योंकि मलिक काफूर मूल रूप से हिंदू था। माना जाता है अलाउद्दीन खिलजी ने उसको युद्ध में हराकर उसको जीत लिया था और जबरन मुस्लिम बना दिया था। दरअसल ऐतिहासिक तथ्यों से पता चलता है कि मलिक काफूर एक किन्नर था और उसका कोई परिवार भी नहीं था, इसलिए शायद अलाउद्दीन खिलजी सबसे ज़्यादा उस पर भरोसा करता था। इसलिए इस बात की बहुत अधिक संभावना नहीं है कि राजकुमारी मलिक काफूर की बेटी हो सकती है। दूसरी संभावना की बात करें तो दिल्ली सुल्तान की बेटी यानी अलाउद्दीन खिलजी की बेटी, पर इस तथ्य की कोई संभावना नहीं
क्योंकि इतिहास में इसका कोई सबूत ही नहीं कि अलाउद्दीन खिलजी की कोई बेटी थी। इस कहानी का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है। तीसरी संभावना की बात करें तो ये हो सकता है कि दिल्ली के दूसरे सुल्तान यानी मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि उसे थुलुका नाचियार कहा जाता है और थुलुका तुगलक का एक गलत उच्चारण हो सकता है। उसके अलावा ये भी एक तथ्य है कि मलिक काफूर के आक्रमण के कुछ समय बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने श्रीरंगम पर हमला किया था, पर यह भी किसी तरह से पक्के दावे के साथ नहीं कह सकते। मैं इस कहानी में एक और दिलचस्प बात बताता हूँ। दक्षिण भारत के एक और मंदिर में थुलुका नाचियार जैसी ही सेम कहानी है। वो है मेलुकोटे, कर्नाटक के एक शहर के एक शानदार मंदिर में। इस मंदिर की कहानी ये है कि श्री रामानुज आचार्य मेलुकोटे में एक दशक समय बिताया। उनको एक दिन सपना आया कि उस मंदिर की मेन मूर्ति काबुल में है, जो राजा मसूद तृतीय के पास है, जो मोहम्मद गजनी के पोते थे। रामानुज आचार्य काबुल गए और वहां से वो मूर्ति लेकर आए। उस मूर्ति को भी राजा की बेटी बहुत प्यार और स्नेह से अपने पास रखती थी। रामानुज आचार्य जब मूर्ति मेलुकोटे लाए तो राजा की बेटी भी पीछे पीछे आई और रास्ते में ही दम तोड़ दिया। रामानुज ने तय किया कि उसके मूर्ति के प्रति प्यार और स्नेह को मेलुकोटे में बीवी नाचियार के नाम से मूर्ति बनाए जाए। हिंदू में बीवी का मतलब पत्नी होती है, और आज भी मेलुकोटे में भगवान की पत्नी के रूप में पूजा जाता है। आगे की कहानी कुछ ऐसी है। रामानुज कुछ सालों बाद मेलुकोटे से श्रीरंगम मंदिर एक बड़े पंडित के रूप में गए और उसी बीवी नाचियार के कॉन्सेप्ट को रखते हुए वहां पर भी थुलुका नाचियार के रूप में पूजा जाने लगा। कहानी में अब हमारे पास दक्षिण भारत के दो मंदिर हैं जो केवल श्री रामानुज आचार्य द्वारा जुड़े हैं, जिसमें एक मुस्लिम राजकुमारी की अवधारणा है, जिसने हिंदू भगवान के लिए भक्ति और प्रेम में अपना जीवन त्याग दिया था। इस तरह की कहानियों को प्रूव और डिसप्रूव करना बहुत ही कठिन है। जहां पर एक रिलीजियस टेल, मिथ और एक बिलीफ हो, मैं बस इतना ही कहूंगा, जो श्रीरंगम और मेलुकोटे जाने की प्लानिंग कर रहे हैं वो इस नाचियार की मूर्ति को जरूर देखें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में किसी दूसरी ऐतिहासिक कहानी के साथ मिलेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।